नमस्कार, मैं टिया परिहार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। होली के पावन पर्व को लेकर राजौरी शहर और जवाहर नगर में निकाली जाने वाली भैरव बाबा की ऐतिहासिक झांकी पूरे हफ्ते धूमधाम से निकाली जाती है। सुबह से ही नाबन मोहल्ला स्थित भैरव बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। परंपरा अनुसार करीब 2 बजे पूजा अर्चना के साथ बाबा भैरव की झांकी निकलते ही शहर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भैरव बाबा का नृत्य देखने के लिए मानो होड़ लगी रहती है। इस मौके पर सुरक्षा के भी कई कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। होली के दिनों में राजौरी कस्बे में भैरव देव की झांकी निकालने की दशकों पुरानी परंपरा चली आ रही है। भैरव देव की झांकी को देखने के लिए काफी लोग दूर दूर से होली के दिन राजौरी आते हैं। भैरव देव की झांकी जो विभिन्न बाजारों व मोहल्लों का भ्रमण करने के बाद देर शाम को संपन्न होती है, उसमें एक खास बात ये भी है कि भैरव देव की झांकी में एक व्यक्ति के शरीर पर काले रंग का लेप लगाकर उसके कमर पर घुंघरू बांधे जाते हैं और सिर पर लटके लगाई जाती है। भैरव देव का रूप धारण किए ये व्यक्ति 10 से अधिक ढोल की थाप पर नाचता है। मान्यता ये भी है कि जो भी भैरव देव के चिमटे से मार खाता है उसे जीवन में कभी भी बुखार नहीं आता। इस बात को अंधविश्वास कहें या विश्वास, पर ये बात सत्य है और इसमें कोई शक नहीं है। राजौरी शहर में ये परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है। कहते हैं कि राजौरी में काला बुखार नामक बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिस दौरान एक साधु भ्रमण करते हुए नगर में पहुंचा और काफी लोग साधु के पास गए और समस्या के संबंध में अवगत करवाया। साधु ने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति को काला लेप लगाकर नगर का भ्रमण करवाया जाए तो ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके बाद होली के दिनों में राजौरी में भैरव देव की झांकी निकालने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। झांकी जो है राजौरी में बड़े धूमधाम से निकाली गई है। उससे पहले जो है हनुमान झांकी का आयोजन किया गया था, उसके बाद जो है भैरव बाबा की झांकी अभी निकली हुई है। बहुत अच्छा वातावरण जो है बना हुआ है। ये बहुत पुरानी परंपरा चली है कि कहते हैं कि अकाल पड़ा था उसके बाद जो है भैरव बाबा की झांकी निकाली गई थी। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ राजा रतन जी एक युवा नेता है राजौरी के, खासकर जवानगर के रहने वाले हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की जो है परंपरा ये चली आ रही है। रतन जी, किस तरह की जो है ये परंपरा जो चली आ रही है और किस तरह का माहौल जो है राजौरी का बना हुआ है, बोलियों को लेकर जो भी आप पूरा बताना चाहते हो। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों के टाइम से है, ये बहुत ही पुरानी एक परंपरा चल रही है। जो होली का जो त्यौहार है ये हम इसलिए मनाते हैं कि जैसे आपने बताया कि अकाल पड़ा था, ये सही बात है। और ये परंपरा तब से आज तक चलती आ रही है और ये युवाओं को बड़ा आकर्षित का मतलब एक युवा जो है वो इसमें बड़े भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो होता है वो युवाओं का रहता है, क्योंकि ये बड़ा एक मनोरंजन साधन है। हमारे 8 दिन जो होली के रहते हैं यहाँ पे धर्म से हटकर यहाँ पे सारे भाई हम मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। रतन जी, जिस तरह से मान्यता ये है कि भैरव बाबा का चिंता जो है काले बुखार से जो है निजात पाता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप एक बार इस प्रकार मुस्लिम सिख ईसाई इसमें मिल के झांकी में भाग लेते हैं और मैक्सिमम जो देखा जाता है
का त्यौहार है, ये त्यौहार हम सबका त्यौहार है, ना कि ये हिंदुओं का ना कि ये मुसलमान का, ये हम सबका त्यौहार है और हम सब इसको खुशी से मनाते हैं। और ये वाला त्यौहार जो हम ऐसे मनाते हैं कि आपस में हमारा एक भाईचारा बना रहता है और एक खुशी का प्रतीक के बीच में एक आपसी भाईचारे की और एक आपसी मिसाल निकालती है। ये झांकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के इस झांकी में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।